इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Redmi Note 3 के अंदर अगर आपको हीटिंग की प्रॉब्लम आती है तो हीटिंग की प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले आपको सेटिंग्स में जाना होगा। सेटिंग्स में जाने के बाद अबाउट फ़ोन में जाना होगा। अबाउट फ़ोन में जाने के बाद यहाँ पर सिस्टम अपडेट आपको दिखता है, तो सिस्टम अपडेट कर लीजिएगा अपने फ़ोन के अंदर। जैसे आप सिस्टम अपडेट करेंगे तो यहाँ पर हीटिंग से रिलेटेड सारे एरर्स और बग आपके सोल्व हो जाएंगे। अदरवाइज अब भी आपके प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती है तो फिर बैक लाइए। बैक लाने के बाद यहाँ पर स्टोरेज में जाइए, नीचे स्टोरेज का ऑप्शन आपको मिलेगा, इसको खोल लेना है। और यहाँ पर नीचे जाइए और यहाँ पर क्लीनर आपको मिलेगा, तो क्लीनर को खोल लीजिए। जैसे आप क्लीनर को खोलेंगे तो यहाँ पर आपके जितने भी ट्रेस डेटा होगा यानी कि बेकार का डेटा होगा यहाँ पर क्लीन अप का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसे क्लीन कर दीजिए सारे के सारे डेटा को, क्योंकि कभी कभी बहुत ज़्यादा ये ट्रेस डेटा हो जाता है तो आपको प्रॉब्लम आ जाती है। तो डिलीट कर देंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद यहाँ से बैक लाइए। बैक लाइए अगर आपकी प्रॉब्लम अब भी ठीक नहीं होती तो फिर एडिशनल सेटिंग्स में जाइए। और एडिशनल सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर जो है आपको अपने फ़ोन को रीसेट मार लेना होगा। रीसेट मारने के बाद आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी, लेकिन रीसेट जो है सबसे एंड में ही मारिएगा। पहले दोनों ऑप्शन को यूज़ कीजिएगा, क्योंकि ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत जो हीट होता है वो हर फ़ोन होता है, लेकिन ओवर हीट होता है तो यही प्रोसेस आपके लिए है बस। अदरवाइज आप इस प्रोसेस को मत कीजिएगा। तो अगर यहाँ पर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जितना भी प्रोसेस हो हमारे Redmi Note 5 Pro में, वो आप Redmi के किसी भी फ़ोन में प्रोसेस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। कोई फीचर आपको नहीं मिल पाता है तो भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगा।